नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और अब की खबर है कि मध्य प्रदेश की सियासत में इस बार क्या नया है। वैसे तो राम नाम तो हमेशा आता ही है जब भी सियासत गर्म होती है, और इस बार तो ये मुद्दा इसीलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि राम मंदिर के निर्माण के लिए काम शुरू हो चुका है, भूमि पूजन हो चुका है, काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट लेने वाली बात है। पर मध्य प्रदेश की एमपी की अगर सियासत की बात करें तो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा। यहाँ पर भगवान तो जाहिर तौर पर बीजेपी के ही साथ हैं, लेकिन जो भगवान के एजेंट होते हैं, यानी कि वो लोग जो भगवान के मैसेज को प्रचार प्रसार का जिम्मा संभालते हैं, वो संत जो सीधे जिनके लिए कहा जाता है कि इनकी वाणी में भगवान की वाणी समाई हुई है, वो संत इस बार बीजेपी के साथ नहीं कांग्रेस के साथ है। ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि जो बीजेपी हिंदुत्व का नारा हमेशा देती रही, राम मंदिर के लिए हमेशा खड़ी रही, उसी बीजेपी से मध्य प्रदेश के संत बुरी तरह नाराज हैं और सब के सब अभी कमलनाथ और कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बहुत सारी जगह पर जहाँ पे उपचुनाव होना है, सिंधिया समर्थक अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं और उनके वोट मांगने के तरीके भी बड़े निराले हैं। कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गोविंद सिंह राजपूत के कुछ समर्थक अपने अपने क्षेत्र में जाके कह रहे थे कि अगर आपने बीजेपी को वोट दिया तो आपके नाम की एक ईंट राम मंदिर में अपने आप लग जाएगी। यानी बीजेपी को वोट देना यानी राम मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग देना है। तो इस तरीके से राम के नाम पर बीजेपी या उसके कार्यकर्ता किस किस तरीके से वोट की जुगाड़ कर रहे हैं, ये बड़ा दिलचस्प नज़ारा इन दिनों है मध्य प्रदेश में। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब राम नाम जपने वाले और राम के नाम पर प्रवचन देने वाले संत ही बीजेपी के साथ नहीं है, तो बीजेपी किस तरीके से इस मुहिम को आगे और कितने दिन चला पाएगी। मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा काफ़ी सारे संतों के हुजूम के साथ लोकतंत्र बचाओ यात्रा पे निकल चुके हैं। उनका जब काफिला निकला था रोड पर तो किसी बड़े जत्थे से कम नज़र नहीं आ रहा था। ढेर सारी कारों के साथ ये काफिला रवाना हुआ है, प्रदेश में अलग अलग जगह जा रहा है। टारगेट पर वो सीट्स हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं, यानी इनडायरेक्टली कंप्यूटर बाबा कांग्रेस का ही साथ दे रहे हैं। ऐसे में जब भगवान के एजेंट सब कांग्रेस का साथ देंगे तो अपने हिंदुत्व की छवि पे बीजेपी कितने दिन टिकी रहेगी, और ये संत जब जाकर अलग अलग विधानसभा सीटों पर बीजेपी के खिलाफ प्रवचन देंगे तो क्या उसका कोई असर, कोई इम्पैक्ट चुनाव में नजर नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है और चिंता का विषय भी है बीजेपी के लिए। नमस्कार।